Good morning kids and their parents. So today's our session is for Hindi class for UKG. तो previous class में हमने हिंदी में क्या पढ़ा था? बड़ी ई की मात्रा के शब्द. ठीक है, तो आज थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं. कौन कौन से शब्द थे आपको पिक्चर से बताए थे मैंने. जो बुक में पिक्चर है ना आपकी, कौन सी बुक है ये? स्वर धाम. इस बुक में आपके पेज नंबर 1414 में कौन कौन सी पिक्चर थी? दीप, परी, जीप, चील, गगरी, बकरी, नाशपाती. ठीक है, तो ये कौन से शब्द है हमारी? बड़ी ई के. और बड़ी ई की मात्रा हमेशा कहाँ लगती है? जैसे ये अक्षर है क, तो क के आगे लगेगी की. ठीक है, ऐसे ख अगर हमारे पास अक्षर है तो ख अगर हमने यहाँ लिखा तो जो इसकी मात्रा है बड़ी ई की वो आगे लगेगी, तो क्या बन जाएगा? खी. ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है कि अक्षर के जो आगे मात्रा होती है वो होती है बड़ी ई की. ठीक है, तो चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, जिसमें लिखा है पढ़ो और लिखो. यानी कि इसको आपने क्या करना है, पढ़ना है, फिर अपनी नोटबुक में जो कि हिंदी की नोटबुक होगी उसमें आपने क्या करना है, लिखना है. ठीक है, तो शुरू करते हैं पढ़ना. एक माली था. अब उन्होंने क्या लिखा है? एक माली था. आपको मैंने हमेशा बताया है जब भी लाइन के आगे इस तरीके से कोई निशान बना हो, कुछ लिखा हो इस तरीके से, इसको क्या बोलेंगे हम? विराम चिन्ह. क्या बोलेंगे? विराम चिन्ह, जिसमें हम रुकते हैं थोड़ी देर. क्या करते हैं? रुकते हैं थोड़ी देर. तो ये क्या लिखा है? एक माली था. माली, म में आ की मात्रा मा, ल में ई की मात्रा, कौन सी ई की मात्रा? बड़ी ई की. माली था, एक माली था. तो माली जब हम बोल रहे हैं तो छोटी सी साउंड तो नहीं है ना कि ऐसे बोल रहे हैं माली, नहीं ना, हम क्या बोल रहे हैं? माली, है ना. तो बड़ी ई सी आवाज़ आ रही है, तो वो किसकी आवाज़ हुई? बड़ी ई की. ठीक है, इसके आगे है जिसका नाम महावीर था, वह आलसी व लालची था. उसकी बीवी का नाम दीपाली था, वह हटीली व लालची थी. उनकी एक बेटी थी, उसका नाम मीरा था. मीरा सीधी सादी लड़की थी. मीरा ने एक हरी भरी बगीची देखी. मीरा बगीची से पपीता, ककड़ी व नाशपाती लाई. नाशपाती मीठी थी, पपीता फीका था. मीरा ने 3 नाशपाती खाई. मीरा ने ककड़ी भी खाई. ककड़ी खाकर पानी मत पी. मीरा आलसी मत बन. मीरा बाजार जाकर मिठाई लाई. मीरा ने मीठी खीर बनाई. नानी मीठी मीठी खीर खा. नानी ने खीर खाकर परी की कहानी सुनाई. तो बच्चों, जो हमने अभी पढ़ी स्टोरी, इसमें जहाँ जहाँ लाल कलर से निशान सा बना हुआ है, यानी कि जो मात्रा है वो कौन से कलर में है? लाल कलर में. जिस तरीके से यहाँ मैंने माली लिखा है, तो उसमें जहाँ मैंने निशान लगाया ये मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे आपकी बुक में रेड कलर से है. ठीक है, बड़ी ई की मात्रा कौन से कलर से है? रेड कलर से, और बाकी सब ब्लैक कलर से है. तो आपको याद रखना है, आपको अपनी कॉपी में भी एज इट इज़ नोट करना है, लिखना है. ठीक है, और जो बड़ी ई की मात्रा है उसमें आप क्या करोगे? हल्का सा नीचे अंडरलाइन करोगे. तो अब जो इसकी क्या है, एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज में क्या है, चित्र पहचान कर नाम लिखो. यहाँ पे कुछ चित्र हैं, आपने क्या करना है, इसका नाम लिखना है. तो पहली जो है वो क्या है? चील. दूसरी क्या है? लड़की. तो आपने इसी तरीके से आगे भी इनके नाम लिखने हैं. अब नेक्स्ट क्या है, सेकंड नंबर में बड़ी ई की मात्रा लगाकर ठीक शब्द बनाओ. तो यहाँ पे क्या है? दह. तो हम क्या बना सकते हैं दह से? दही. ठीक है, और भी कुछ हो सकता है तो आप वो भी बना सकते हैं. माल, माली. ठीक है, तो आपको बाकी शब्द भी इसी तरीके से बड़ी ई की मात्रा लगा के कंप्लीट करने हैं. अब है सही शब्द छांट कर खाली स्थान भरो. तो इन्होंने लिखा है मीरा की
अब यहाँ पे स्पेस छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे हमने खुद लिखना है। आगे लिखा गीली थी, क्या कमीज, क्या गीली थी, कमीज या वमीज, क्या होता है, कमीज होता है या वमीज होता है, तो कमीज, यहाँ पे क्या आएगा, कमीज। तो आपको आगे के भी दो अपने आप करने हैं, ठीक है। लास्ट में है आपका फोर नंबर के आगे सुलेख लिखो, सुलेख लिखो आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है, नोटबुक में करेंगे आप। तो आज के लिए हमारा सेशन इतना रहेगा, थैंक यू क्लास।